ब्लैक फंगस आखिर यह है क्या और कैसे यह लोगों को अपना शिकार बना रहा है। ब्लैक फंगस से आखिर कोरोना का क्या कनेक्शन है, आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस को म्यूकर माइकोसिस भी कहा जाता है, जो पूरे देश में तेजी से बढ़ रहा है। म्यूकर माइकोसिस एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, खासकर यह मिट्टियों में ज़्यादा पाया जाता है। दरअसल ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों पर अटैक कर रहा है जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है। जब यह फंगस हमारे बॉडी के कॉन्टैक्ट में आता है तब यह हमारे शरीर में बहुत तेज रफ्तार से बढ़ता है। ब्लैक फंगस जब किसी ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तब इंसानों को ब्लैकिश कलर दिखना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड विजन्स आते हैं, चेस्ट पेन होता है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। हमारे ब्रेन और लंग्स पर असर डालने वाले व्हाइट फंगस के कई लक्षण कोरोना से मिलते हैं, जिस कारण यह कोरोना के टाइम ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अगर बीमारी की सही पहचान ना हो तो। यह ब्लैक फंगस शरीर के हर एक ऑर्गन को प्रभावित करता है, जैसे हमारे नेल्स, स्किन, हमारा पेट, हमारी किडनी और ब्रेन। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस 3 स्टेजेस में होता है। पहला, यह नाक या मुंह के जरिए हमारी बॉडी में एंटर करता है, उसके बाद आँखों को प्रभावित करता है और अंत में यह हमारे ब्रेन पर अटैक करता है। तो इस ब्लैक फंगस से कैसे बचना चाहिए? धूल मिट्टी वाली जगहों पर जाने से बचें और मास्क का ऑल टाइम यूज़ ज़रूर करें। गंदे व संक्रमित पानी के संपर्क में आने से बचें और अपने इम्यून सिस्टम को हमेशा स्ट्रांग बना के रखें।